बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैंक्स आपको गिवन क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पूर करें। ओके, नंबर वन, डैश हेल्प अस रिमेन हेल्दी। आपने ब्लैंक में क्लीनलीनेस लिखना है, सी एल ई ए एन क्लीन, एल आई ली एन ई डबल एस नेस, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस हेल्प अस रिमेन हेल्दी, क्या कहते हैं, सफाई सेहतमंद रहने में हमारी मदद करती है। ओके, नंबर टू, डैश योर फेस एंड हैंड्स। आपने ब्लैंक में वॉश लिखना है, डब्ल्यू ए एस एच वॉश। क्या कहते हैं, वॉश योर फेस एंड हैंड्स, अपने चेहरे और हाथों को धोएं। ओके, नंबर थ्री, डैश नीट एंड क्लीन क्लॉथिस। डैश में आप वियर लिखें, डब्ल्यू ई ए आर वियर, वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथिस, साफ सुथरे कपड़े पहने। ओके, नंबर फोर, डैश योर टीथ एंड डैश योर हेयर। पहली ब्लैंक में ब्रश लिखें, बी आर यू एस एच ब्रश। सेकंड ब्लैंक में कॉम्ब लिखें, सी ओ एम बी कॉम्ब। ब्रश योर टीथ एंड कॉम्ब योर हेयर, अपने दांत को ब्रश करें और बालों को कंघी करें। ओके, नंबर फाइव, डैश योर नेल्स। डैश में ट्रिम लिखें, टी आर आई एम ट्रिम, ट्रिम योर नेल्स, अपने नाखून तराशें। ओके, MCQs, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, नंबर वन, डैश योर टीथ। गिवन बिलो टू ऑप्शंस, ए ब्रश, बी ट्रिम। आपने ए पे टिक लगाना है, ब्रश, और ऊपर ब्लैंक में ब्रश लिखना है, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें। ओके, अंडरस्टैंड। नंबर टू, चेंज क्लॉथिस इफ दे आर डैश। गिवन बिलो टू ऑप्शंस, ए क्लीन, बी डर्टी। आपने बी पे टिक लगाना है, डर्टी। आपने ऊपर ब्लैंक में डर्टी लिखना है, डी आई आर टी वाई डर्टी। चेंज क्लॉथिस इफ दे आर डर्टी, अपने कपड़े तब्दील करें जब वो गंदे हों। ओके, नंबर थ्री, वियर डैश क्लॉथिस। गिवन बिलो टू ऑप्शंस, ए कंफर्टेबल, बी अनकंफर्टेबल। आपने ए पे टिक लगानी है, कंफर्टेबल, और ऊपर ब्लैंक में कंफर्टेबल लिखना है, सी ओ एम कम एफ ओ आर फॉर टी ए बी एल ई टेबल, कंफर्टेबल। वियर कंफर्टेबल क्लॉथिस, आरामदेह कपड़े पहने। ओके, नंबर फोर, जर्म्स आर वेरी डैश लिविंग थिंग्स। गिवन बिलो टू ऑप्शंस, ए स्मॉल, बी बिग। आपने ए पे टिक लगाना है, स्मॉल, और ऊपर ब्लैंक में स्मॉल लिखना है, एस एम ए डबल एल स्मॉल। जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, जरासीम बहुत ही छोटी जानदार चीज़ें होती हैं। ओके, नंबर फाइव, डैश अट्रैक्ट्स जर्म्स एंड डिजीजेस। गिवन बिलो टू ऑप्शंस, ए क्लीनलीनेस, बी डर्ट। आपने बी पे टिक लगाना है, डर्ट, और ऊपर ब्लैंक में डर्ट लिखना है, डी आई आर टी डर्ट। डर्ट अट्रैक्ट्स जर्म्स एंड डिजीजेस, गंदगी जरासीम और बीमारियों को अपनी तरफ खींचती है। ओके,
गिवन क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। आपने ब्लैंक फिल करनी है जो आपको ऑप्शन दिए होंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके। ओके अंडरस्टैंड। फर्स्ट है वी क्लीन अवर ईयर्स विद डैश। आपको ऊपर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं टॉयलेट रोल, बर्ड, टूथपेस्ट। आपने इन तीनों में से चूज करना है, जो राइट है उसको नीचे ब्लैंक में लिखना है। ठीक है, आपसे नीचे क्या पूछ रहे हैं, वी क्लीन अवर ईयर्स विद डैश, हम अपने कानों को डैश से साफ करते हैं। आपको जो ऊपर तीन ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो राइट है वो आपने इधर नीचे ब्लैंक में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड लिखें, BUD बर्ड। ओके, वी क्लीन अवर ईयर्स विद बर्ड, कि हम अपने कानों को बर्ड से साफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी कीप अवर हेयर नीट एंड टाइडी विद डैश। आपको ऊपर तीन ऑप्शन दिए गए हैं हेयर ब्रश, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। इन तीनों ऑप्शन में आपको जो सही लगता है आपने ब्लैंक में फिल करना है। ओके, आपने ब्लैंक में हेयर ब्रश लिखना है, HAIR हेयर, BRUSH ब्रश, हेयर ब्रश, क्योंकि हम बालों को नीट एंड टाइडी रखने के लिए हेयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द थिंग दैट वी यूज टू क्लीन अवर बॉडी। उस थिंग को आपने टिक करना है जो हम बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट है टिक द थिंग्स दैट वी यूज टू क्लीन अवर टीथ। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें कि आपने ऐसी थिंग को टिक करना है जो कि हम अपने टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। आपके पास यहाँ पे थ्री ऑप्शंस हैं, नंबर वन पे शैम्पू है, नंबर टू पे आपके पास टूथब्रश है और नंबर थ्री पे सोप है। आपने टूथब्रश पे टिक लगानी है क्योंकि हम टूथब्रश का इस्तेमाल टीथ को क्लीन करने के लिए करते हैं। ओके, टिक द थिंग्स दैट वी यूज टू क्लीन अवर हैंड्स। हमने उस चीज़ पे टिक लगानी है जो अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास थ्री ऑप्शंस हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड हैंड सोप। आप जो हैंड्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो थिंग वो है हैंड सोप। आपने हैंड सोप पे टिक लगानी है। ओके, गिवन क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज एंड हेल्प बॉक्स। आपको इसमें बोल रहे हैं कि आपने ब्लैंक्स को पिक्चर क्लूज और हेल्प बॉक्स की मदद से फिल करना है। ओके, हेल्प बॉक्स में आपके पास जो गिवन वर्ड्स हैं वो है टूथब्रश, सोप, हैंकी, वाटर, टूथपेस्ट, टॉवल, नेल कटर एंड कॉम। ओके, नंबर वन वी यूज डैश एंड डैश टू क्लीन आवर बॉडी। पहली ब्लैंक में लिखें वाटर, WATER वाटर। सेकंड ब्लैंक में लिखें सोप, SOAP सोप। वी यूज वाटर एंड सोप टू क्लीन आवर बॉडी। ओके अंडरस्टैंड, क्या कहते हैं इसमें कि हम इस्तेमाल करते हैं पानी और साबुन अपने जिस्म को साफ करने के लिए। अंडरस्टैंड। नंबर टू वी यूज डैश टू कट शॉर्ट आवर नेल्स। ब्लैंक में लिखें नेल कटर, NAIL नेल, CUTTER कटर, नेल कटर। We use nail cutter to cut short our nails. Okay? हम nail cutter अपने नाखनों को छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको काटने के लिए, नाखनों को छोटा करने के लिए, तराशने के लिए। Okay? Number three, we use dash to keep our hair tidy. Blank में लिखें comb, COMB, comb. We use comb to keep our hair tidy. हम अपने हेयर को टाइडी रखने के लिए कंघी का इस्तेमाल करते हैं। ओके अंडरस्टैंड। नंबर फोर we use a dash to blow our nose.
ब्लैंक में लिखे हैंकी, HANKY हैंकी। वी यूज ए हैंकी टू ब्लो अवर नोज, हम बहती नाक के लिए एक हैंकी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं हैंकी को, ओके। नंबर 5, वी यूज क्लीन डिश टू वाइप अवर बॉडी, ब्लैंक में लिखें टॉवल, TOWEL टॉवल। वी यूज क्लीन टॉवल टू वाइप अवर बॉडी, ओके। क्या कहते हैं इसमें कि हम एक साफ तौलिए का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को वाइप करने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। नंबर 6, वी यूज डैश एंड डैश टू क्लीन अवर टीथ, पहली ब्लैंक में लिखें टूथब्रश, TOOTH टूथ, BRUSH ब्रश, टूथ ब्रश। एंड सेकेंड ब्लैंक में लिखें टूथ पेस्ट, TOOTH टूथ, PASTE पेस्ट, टूथ पेस्ट। वी यूज टूथब्रश एंड टूथ पेस्ट टू क्लीन अवर टीथ, क्या कहते हैं इसमें कि हम टूथब्रश का और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं दांत साफ करने के लिए, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा लाइंस टू कनेक्ट द मैचिंग पिक्चर्स, आपने जो पिक्चर्स मैच कर रही हैं उनको मिलाने के लिए लाइंस ड्रा करनी है, ओके। आपके पास जो फर्स्ट गिवन पिक्चर है वो है शैम्पू की, आपने उसको ज्वाइन करना है हेयर के साथ, ओके, क्योंकि हम शैम्पू को हेयर वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। सेकेंड पिक्चर है आपके पास नेल कटर की, नेल कटर को आपने नेल्स के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि नेल कटर का इस्तेमाल हम नेल्स को ट्रिम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड पिक्चर आपके पास सोप की है, सोप को आपने किट के साथ ज्वाइन करना है क्योंकि सोप बॉडी को वॉश करने के लिए यूज़ होता है, ओके। नंबर 4 पे आपके पास बर्ड्स हैं, बर्ड्स को आपने ईयर के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, कॉटन बर्ड्स जो होते हैं वो ईयर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ओके। 5 पिक्चर आपके पास पेस्ट की है, टूथपेस्ट को आपने टीथ के साथ ज्वाइन करना है क्योंकि टूथपेस्ट टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन टू कनेक्ट द थिंग्स यू यूज टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी, क्या कहते हैं इसमें, आपने लाइन ड्रा करनी है उन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए जो कि आप अपने आप को साफ और हेल्दी रखने के लिए यूज़ करते हो, ओके। फर्स्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिंग माई हेयर, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, कॉम्ब और ब्रश के साथ, ओके। नेक्स्ट है टेकिंग ए बाथ, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको बकेट की पिक्चर दिखाई दे रही है आपने इसके साथ ज्वाइन करना है, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ब्रशिंग माई टीथ, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ, ओके। नेक्स्ट है ट्रिमिंग माई फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, नेल कटर के साथ, ओके। नेक्स्ट है वॉशिंग माई हेयर, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जहाँ आपको शैम्पू की बॉटल नज़र आ रही है उसके साथ, ओके। नेक्स्ट है क्लीनिंग माई ईयर्स, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको पिन दिखाई दे रही, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ हेल्थ हैबिट्स विद इट्स पिक्चर, क्या करना है आपने, हेल्दी हैबिट्स को गिवन पिक्चर के साथ मैच करना है, ओके। फर्स्ट हेल्दी हैबिट्स जो आपको गिवन है वो एम है, ये है वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, नंबर 3 पे जो आपको गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। बी में जो आपको गिवन हेल्दी हैबिट्स है वो है टेकिंग बाथ डेली, आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है,
जो आपको नंबर 4 पे पिक्चर गिवन है उसके साथ, ओके। सी में आपको जो गिवन हेल्दी हैबिट है वो है यूज कॉम्ब टू कीप हेयर टाइडी। आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जो आपके पास नंबर 1 पे गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। डी में आपके पास जो गिवन हेल्दी हैबिट है वो है ब्रशिंग योर टीथ। आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जो आपके पास सेकेंड नंबर पे गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। ई में जो आपके पास गिवन हेल्दी हैबिट है यूजिंग ए हैंकी टू ब्लो अवर नोज। आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जो नंबर 6 पे आपके पास गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। एफ में जो आपको गिवन हेल्दी हैबिट है वो है यूज ए क्लीन टॉवल टू वाइप अवर बॉडी। आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जो आपके पास नंबर 5 पे गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। जी में आपको जो गिवन हेल्दी हैबिट है वो है वॉश योर हैंड्स आफ्टर एंड बिफोर मील्स। आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जो आपको 9 नंबर पे गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। एच में जो आपको गिवन हेल्दी हैबिट है वो है गो टू बेड अर्ली। आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जो आपके पास 7 नंबर पे गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। आई में जो आपके पास गिवन हेल्दी हैबिट है वो है ब्रश योर टीथ एट लीस्ट 2 टाइम्स अ डे। आपने इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, जो आपके पास 8 नंबर पे गिवन पिक्चर है उसके साथ, ओके। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, ओके। आपने पिक्चर 1 को सी के साथ मिलाना है, पिक्चर 2 को डी के साथ, पिक्चर 3 को ए के साथ, पिक्चर 4 को बी के साथ, पिक्चर 5 को एफ के साथ, पिक्चर 6 को ई के साथ, पिक्चर 7 को एच के साथ, पिक्चर 8 को आई के साथ और पिक्चर 9 को जी के साथ मिलाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द आइटम्स आर मेंशनड, अदर आर मिसिंग। With the help of pictures, tell the steps of personal hygiene. Okay? क्या कहते हैं इसमें कि कुछ आइटम्स आपको मेंशन है और कुछ मिस हैं। आपने पिक्चर की मदद से उनके पर्सनल हाइजीन स्टेप के बारे में बताना है, ओके। आपके सामने जो फर्स्ट गिवन पिक्चर है उसके सामने बॉक्स खाली है, आपने उसमें लिखना है वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, ओके। सेकंड पिक्चर आपको मेंशनड है, ओके, ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। नेक्स्ट पिक्चर के सामने जो बॉक्स है वो भी मेंशनड नहीं है, आपने इसमें फिल करना है कॉम माई हेयर डेली, ओके। नेक्स्ट पिक्चर आपको मेंशनड है ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, ओके। नेक्स्ट पिक्चर आपको मेंशनड नहीं है, आपने इस बॉक्स को फिल करना है और यहाँ पे लिखना है मेकिंग माय बेड रेगुलरली, ओके। नेक्स्ट पिक्चर आपको मेंशनड है वियर क्लीन एंड टाइडी क्लॉथीज, ओके। Complete words. Next question है complete the words. आपने blank fill करके word को complete करना है, okay? Number 1, G-R-M-S. Blank में E लिखें, क्या बनेगा? Germs. G-E-R-M-S. Germs, okay? Second है एच ई डैश एल टी एच, ब्लैंक में ए लिखें, क्या बनेगा ये? हेल्थ।
health, health, okay. Number 3, hygiene, blank में I लिखे, क्या बनेगा ये, hygiene, 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 okay. Number 4, PE-SON, blank में R लिखें, ये क्या बनेगा, PERSON, person, okay. Number 5, CL-AN, blank में E लिखें, CLEAN, clean, क्या बनेगा ये, clean, okay. Jumble letters, correct form. Number 1, D-O-F-O. जब इसको correct form में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F-O-O-D, food. Okay? Number 2, N-D-S-H-A. जब correct form में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? H-A-N-D-S, hands, okay. Number 3, K-S-A-M. जब इसको correct form में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? M-A-S-K, mask, okay. Number 4, E-C-F-A. जब इसको correct form में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F-A-C-E, face, okay. Number 5, TERWA. जब इसको correct form में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? WATER, water, okay. Break, join. Number 1, D-R-I-N-K-S. जब join करेंगे तो क्या बनेगा? D-R-I-N-K-S, drinks, okay. Number 2, M-O-U-T-H. जब join करेंगे तो क्या बनेगा? M-O-U-T-H, mouth, okay. Number 3, S-U-R-F-A-C-E. जब join करेंगे तो क्या बनेगा? S-U-R-F-A-C-E, surface, okay. Number 4, D-I-S-E-A-S-E. जब join करेंगे तो क्या बनेगा? D-I-S-E-A-S-E, disease, okay. Number 5, D-I-S-A-R-R-H-O-E-A. जब join करेंगे तो क्या बनेगा? D-I-A-R-R-H-O-E-A, diarrhea, okay. Words, meanings. Number 1, healthy. Mean, sehatmand. Swad, heeti, sehat. Mean, noon, dal, mand. Sehatmand. Healthy mean, sehatmand. Okay. Number 2, routine. Routine mean, mamulat. Mim, ainma, mim, vaumu, lamalifla, te, मामूलात, ओके, रूटीन मीन मामूलात. नंबर 3, चेंज मीन तब्दील करना, ते भी तब दाल ये दील नाम, तब्दील काफ़रे कर नून ना करना, तब्दील करना, चेंज मीन तब्दील करना, ओके. नंबर 4, टीथ मीन दांत, दलिफ दा नून ते दांत, teeth mean, dant, okay. Number 5, protect.
प्रोटेक्ट मीन बचाना, बी चिलिफचा बचा नूनलिफना बचाना, प्रोटेक्ट मीन बचाना, ओके। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स, वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स। नंबर वन, क्लीनलीनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन, ओके। नंबर टू, जर्म, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन कॉज डिजीज, ओके। नंबर थ्री, हाइजीन, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ लिविंग एंड वर्किंग एरियाज क्लीन टू प्रिवेंट डिजीज, ओके। ट्रू फॉल्स, नंबर वन, वी शुड वॉश हैंड्स बिफोर गोइंग टू बाथरूम। क्या कहते हैं इसमें कि हमें बाथरूम जाने से पहले हाथ धोने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि हमें बाथरूम जाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, ओके। आपने स्टेटमेंट के लास्ट में क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है, ओके। नंबर टू, गुड हाइजीन मीन्स एडिंग जर्म्स टू अवर बॉडी। अच्छी हिफ्ज़ान सेहत का मतलब है कि हमारे जिस्म में जरासीम का इजाफा करना, ओके। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। आपने क्या करना है, क्रॉस लगाना है, ओके। नंबर थ्री, वी शुड कवर आवर फेस व्हेन स्नीजिंग। हमें अपना चेहरा छींकते वक्त ढंपना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है, दुरुस्त। आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक का निशान लगाना है, ओके। नंबर फोर, अ क्लीनलीनेस रूटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या कहते हैं इसमें कि क्लीनलीनेस रूटीन जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ओके। आपने इस पर टिक लगाना है। नंबर फाइव, मेंटेनिंग ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ए सिक पर्सन इज गुड प्रिवेंशन। क्या कहते हैं इसमें कि एक बीमार शख्स से सेफ डिस्टेंस रखना एक अच्छी रोकथाम है, ओके। ये स्टेटमेंट क्या है, दुरुस्त है, तो आपने क्या करना है, टिक लगाना है। मैच वर्ड्स टू करेक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर टू, मैच द वर्ड्स टू देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने वर्ड्स को उनके करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है, ओके। नंबर वन, जर्म्स, आपने इसको किसके साथ मैच करना है, स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कॉज डिजीज, इसके साथ, ओके। नंबर टू, स्टेइंग क्लीन, आपने इसको किसके साथ मैच करना है, हैविंग गुड हाइजीन के साथ, ओके। नंबर थ्री, हाइजीन, आपने इसको किसके साथ मैच करना है, गुड हेल्थ के साथ, ओके। नंबर फोर, डायरिया, आपने इसको किसके साथ मैच करना है, अ डिजीज दैट हैपेंस ड्यू टू डर्टी फूड। नंबर फाइव, वॉशिंग, आपने इसको किसके साथ मैच करना है, रिमूविंग डर्ट फ्रॉम आवर बॉडी, इसके साथ, ओके। वन वर्ड आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, विच थिंग हेल्प्स अस रिमेन हेल्दी। कौन सी चीज़ हमें सेहतमंद रहने में मदद देती है। आंसर इज क्लीनलीनेस, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे। क्या आप अपने दांत रोज़ाना ब्रश करते हैं। आंसर इज यस, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री, डू यू वॉश योर हैंड्स एंड फेस बिफोर ईटिंग। क्या आप अपने हाथों और चेहरे को खाने से पहले धोते हैं। आंसर इज यस, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर, डू यू ट्रिम योर नेल्स। क्या आप अपने नाखून तराशते हो। आंसर इज यस, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव, डू यू वियर
क्लीन क्लॉथीज, क्या आप साफ कपड़े पहनते हो? आंसर इज यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू टाइडी योर रूम, क्या आप अपने रूम को टाइडी रखते हो? आंसर इज यस। ओके, शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डस हाइजीन मीन्स, हाइजीन का क्या मतलब होता है? आंसर इज हाइजीन मीन्स कीपिंग क्लीन एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ। हाइजीन का मतलब होता है साफ रखना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक अस सिक, क्या चीज़ हमें बीमार करती है? आंसर इज जर्म्स मेक अस सिक, जरासीम हमें बीमार करते हैं। ओके, लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स क्या है आपने बतानी है। ठीक है, आंसर हेल्दी हैबिट्स, नंबर 1, कवरिंग योर माउथ व्हेन स्नीजिंग और कफिंग, नंबर 2, वियरिंग ए मास्क व्हेन आउटसाइड, नंबर 3, एक्सरसाइजिंग, नंबर 4, वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर टचिंग सर्फेसिस और ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स क्या हैं आपने उसके बारे में बताने। ओके, आंसर अनहेल्दी हैबिट्स, नंबर 1, स्टेइंग इन बेड ऑल डे, नंबर 2, ईटिंग एक्सेस फूड, नंबर 3, ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, नंबर 4, हगिंग ए पर्सन हु इज अनवेल, नंबर 5, ईटिंग फूड विद अनवॉश्ड हैंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू कैन डू टू कीप योर होम क्लीन, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप घर को साफ करने के लिए क्या क्या कर सकते हो आपने बताना है। ओके, आंसर टू कीप होम क्लीन, नंबर 1, मेक माई बेड एवरी मॉर्निंग, नंबर 2, क्लीन एंड अरेंज माई रूम ऑफन, नंबर 3, बाथ रेगुलरली एंड कीप माई बॉडी हेयर एंड नेल्स क्लीन, नंबर 4, यूज द डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज, नंबर 5, ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू डू टू कीप योर स्कूल क्लीन, क्या कह रहे हैं आपसे कि आप स्कूल को साफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो आपने बताना है। ओके, आंसर टू कीप स्कूल क्लीन, नंबर 1, डू नॉट थ्रो लिटर ऑन द फ्लोर, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, नंबर 2, प्लांट फ्लावर्स इन द स्कूल गार्डन, नंबर 3, डू नॉट स्क्रिबल ऑन वॉल्स डेस्क और चेयर्स, नंबर 4, कीप क्लासरूम टाइडी, नंबर 5, सिट डाउन एंड ईट माई लंच इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड एंड स्पिलिंग इट।